हंगुके दुरसदा इलाके नरियाब में अमन वॉलीबॉल टूर्नामेंट एक माह तक जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। दुआबा 11 ने फाइनल में नरियाब 11 को शिकस्त दी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हंगू से तारिक मुगल। नरियाब अमन वॉलीबॉल टूर्नामेंट दिलचस्प मुकाबले के बाद दुआबा क्लब ने 2-1 से नरियाब क्लब को शिकस्त देकर जीत लिया। नरियाब में खेले जाने वाले फाइनल मैच को बहुत बड़ी तादाद में आवाम ने देखा और बेहतरीन खेल पर खिलाड़ियों को दाद दी। हमने अमन अमान बरकरार रखने के लिए इस टूर्नामेंट को इनेकाद किया, तो इसमें अभी बन्नू और नौशेरा के दरमियान एक अच्छा सा फाइनल मैच है। लोग भी कसीर तादाद में आए हैं। हम सिर्फ मैसेज ये दे रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाकों में अमन अमान है और हम अमन के लिए कुर्बानी भी दे सकते हैं जिस तरह फोर्सेज दे रहे। डिप्टी कमिश्नर हंगू रफीक खान मोहम्मद ने इख्तामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खेलों का फरोग समाजी और अखलाकी बुराइयों का रास्ता रोकने का मौसर जरिया है और हुकूमत खेलों के फरोग के लिए तमाम तवानाइयां बुरुएकार ला रही है। टूर्नामेंट के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर रफीक खान मोहम्मद, कमांडेंट ऑल स्काउट्स कर्नल खबीब रसूल और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हजरतुल्ला खटक ने खिलाड़ियों में इनाम तकसीम किए। कैमरा मैन मंजूर खान के साथ तारिक मुगल, आज न्यूज़, हंगू। आरिफवाला के गांव चीचावतनी और आरिफवाला की टीमों के माबैन कबड्डी मैच खेला गया। आरिफवाला की टीम ने चीचावतनी की टीम को 14 पॉइंट से हराकर मैदान मार लिया। आरिफवाला से रन